हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। ईडी ने एक साथ 30 लोगों को भेजा समन। 17 जनवरी से शुरू होगी पूछताछ, जाने पूरा मामला। झारखंड में अवैध खनन केस में ईडी की जांच जारी है। इस मामले में अब ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जांच की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ईडी ने एक साथ 30 लोगों को समन किया है। 17 जनवरी से यह पूछताछ शुरू होगी। मालूम हो कि 3 जनवरी को रांची, साहिबगंज और अन्य जगहों पर ईडी ने छापा मारा था। इस छापेमारी में साहिबगंज में कन्हैया खुदानिया नाम के शख्स के ठिकानों से कई दस्तावेज ईडी के हाथ लगे थे, साथ ही 30 बैंक खाते मिले थे। इससे ईडी को शक है कि अवैध खनन के पैसे को विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया जाता था। अब ईडी इसका जवाब खुद बैंक खाता धारकों से पूछना चाहती है, इसलिए एक साथ 30 लोगों को समन कर दिया। आज मकर संक्रांति पर झारखंड में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट। 17 जनवरी से बारिश के आसार। कड़ाके की ठंड के बीच झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मकर संक्रांति पर सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। यानी कि आज 15 जनवरी को जो घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 17 और 18 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिले में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 15 व 16 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार राज्य के उत्तरी भाग में कहीं कहीं मध्यम से घने कोहरे की संभावना है। वहीं 15 व 16 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं मध्यम से घने कोहरे की संभावना है। वहीं 19 व 20 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। आज से नहीं भरे जाएंगे जेएसएससी सिपाही नियुक्ति फॉर्म। अब 22 जनवरी से 21 फरवरी तक आवेदन। तकनीकी कारणों से हुआ बदलाव। 4919 पदों पर बहाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आरक्षी नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था। इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आज यानी 15 जनवरी से आवेदन भरे जाने थे। अब इसकी तारीख बदल दी गई है। आयोग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। अब 22 जनवरी से 21 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। जेएसएससी ने तकनीकी कारणों से आवेदन की तारीख में बदलाव किया है। पहले इस पद के लिए 15 जनवरी से 14 फरवरी तक फॉर्म भरे जाने थे। इस विज्ञापन के जरिए सिपाही के नियमित और बैकलॉग दोनों तरह की रिक्तियों में नियुक्तियां की जाएगी। रिक्त कुल पदों में 3799 पद नियमित और 1120 बैकलॉग के पद शामिल हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार होमगार्ड के वैसे जवान जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली है, उन्हें नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया जाएगा। होमगार्ड के पदों पर उम्मीदवार नहीं मिलने पर उन पदों पर गैर होमगार्ड के जवानों को भरा जाएगा। गौवंश से भरा कंटेनर पुलिस ने पकड़ा। 45 जानवर बरामद किए गए। 4 महीने में गिरिडीह से 950 मवेशियों को तस्करों ने छुड़ाया। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ छापेमारी के क्रम में एक कंटेनर को पकड़ा। वहीं 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। कंटेनर में 37 गाय और 8 बैल थे। सभी पशुओं को जब्त कर गौशाला भेजा गया। बता दें कि गिरिडीह पुलिस ने बीते 4 माह में 950 मवेशियों को तस्कर से मुक्त कराया है। जानकारी के अनुसार एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि डुमरी के रास्ते मवेशियों को धनबाद ले जाया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसपी के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने डुमरी थाना क्षेत्र के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोका तो ट्रक चालक भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें भारी संख्या में मवेशी लदे थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हजारीबाग में शौच के लिए निकले विकलांग युवक पर गिरा 11,000 वोल्ट का बिजली का तार, मौके पर ही मौत। हजारीबाग के बरही धोबियाडी में दुकान से शौच के लिए निकले एक विकलांग युवक पर 11,000 वोल्ट का बिजली तार टूटकर गिर गया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NS2 को जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया है कि विभाग की लापरवाही से युवक की मौत हुई है, इसलिए विभाग मुआवजा दे और मृतक के आश्रित को नौकरी मिले। युवक का नाम गणेश ठाकुर है। लोगों ने मृतक के आश्रित को नौकरी के साथ परिवार के लिए 10 लाख रुपए की मांग की है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक
सैलून में काम करता है। इस दौरान वो कुछ देर के लिए बाहर निकला, इसी बीच 11,000 वोल्ट का जर्जर तार टूटकर उसके ऊपर जा गिरा। इसी युवक के शरीर में आग लग गई। अफरा तफरी के आलोक में बिजली विभाग से संपर्क किया जाने लगा, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी संपर्क नहीं हो पाया। लोगों ने बताया कि युवक का शव 15 मिनट तक जलता रहा, इसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने NH2 को जाम कर दिया और बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता की मांग की। सूचना मिलते ही विधायक उमाशंकर अकेला, पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव, JBKSS युवा नेता संजय मेहता, विहिप जिला सहमंत्री गुरुदेव गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और जाम को समाप्त कराया। सिमडेगा में चला पति पत्नी और वो का ड्रामा। प्रेमिका के साथ पति को पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ा, 20 सड़क पर कर दी धुनाई। सिमडेगा के जलडेगा चौक के पास रविवार को पति पत्नी और वो का ड्रामा घंटे भर चला। प्रेमिका के साथ पति को रंगे हाथ पकड़ने के बाद जो है पत्नी ने सरे बाजार पति की जमकर धुनाई कर दी। थाना चौक के पास बीच सड़क घंटे भर ड्रामा चलता रहा। इस ड्रामे को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। सड़क पर हो रही ड्रामेबाजी की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने पति पत्नी और उसकी प्रेमिका को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने कहा है कि मामले में किसी भी पक्ष से शिकायत आने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मारपीट के दौरान पत्नी के साथ उनके परिजन भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक युवक पालकोट का रहने वाला है, वह जलडेगा में नौकरी करता है। वही उसकी वाइफ भी पालकोट की रहने वाली है, जबकि प्रेमिका का घर ठेठई टांगर के रेंगरी में है। युवक के 4 बच्चे हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पत्नी को अपने पति पर शक था, इसलिए अचानक जलडेगा पहुंची। वही युवक अपनी प्रेमिका को बस चढ़ाने जलडेगा आया था, इसी दौरान उसे उसकी पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। भारत ने न्यूजीलैंड को 3-1 से रौंदा, इस टीम को पहली बार हराया। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के दूसरे मुकाबले में भारत ने एक मजबूत टीम न्यूजीलैंड को धूल चटा दी। भारत ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत की ओलंपिक में क्वालिफाई करने की उम्मीदें जिंदा है। भारत की ओर से पहला गोल संगीता कुमारी ने पहले ही मिनट में दागा। 9वें मिनट में मेगन हुल ने गोल कर स्कोर बराबर कर दिया। भारतीय टीम रविवार को आक्रामक अंदाज में खेल रही थी। भारत ने तीनों गोल पहले ही क्वार्टर में दागे। इसके बाद भारतीय टीम ने जो डिफेंसिव खेल अपनाया, हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा। 5 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कर्मी बनकर लोगों को देते थे झांसा, बाइक सहित कई सामान बरामद। गिरिडीह से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी साइबर अपराधी इंडिया पोस्ट पेमेंट कर्मी बनकर लोगों को झांसे में लेते थे और उनके अकाउंट से निकासी कर लेते थे। कई बार वे SBI का फर्जी लिंक भेजकर भी ऐसा करते थे। गिरफ्तारी के बाद से इनके पास से मोटरसाइकिल, फोन, सिम कार्ड सहित कई चीजें बरामद हुई है। जिन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है वे अब्दुल हलीम, मोहम्मद मिनहाज, पवन कुमार मंडल, सुजीत कुमार मंडल और प्रशांत मुरारी शामिल हैं। साइबर पुलिस ने अपराधियों के पास से 1 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल, 25 सिम कार्ड, 5 ATM, 3 पासबुक, 4 पैन कार्ड समेत कई अन्य सामान बरामद किया है। SP दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि गांडे थाना क्षेत्र के जामजोरी में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का प्रयोग करते हुए आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। इस सूचना के बाद पुलिस उपाधीक्षक साइबर संदीप सुमन के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। टीम द्वारा उक्त स्थल पर छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 23 फरवरी से रांची में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच। BCCI और ECB अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। 23 फरवरी से रांची में इंडिया इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट मैच खेला जाना है। इसके लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के 3 और BCCI के 1 सदस्य टीम ने मैच के लिए JSEA स्टेडियम के ग्राउंड, पिच, प्रैक्टिस पिच, ड्रेसिंग रूम का जायजा लिया। साथ ही जिम, इंडोर क्रिकेट जो फैसिलिटी, सुरक्षा के मापदंडों का भी निरीक्षण किया गया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सदस्यों का विशेष ध्यान मैच के जो विकेट पर था। स्टेडियम के साथ साथ टीम ने रुकने के लिए निर्धारित रेडिशन ब्लू होटल का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्टेडियम की सभी सुविधाओं और व्यवस्था से निरीक्षण टीम संतुष्ट रही और प्रसन्नता जताई। FIH वुमेन्स ओलंपिक क्वालिफायर दूसरे दिन के पहले मुकाबले में चिली ने चेक रिपब्लिक को 6-0 से हराया। रांची में FIH वुमेन्स ओलंपिक क्वालिफायर का आगाज हो चुका है। टूर्नामेंट के दूसरे दिन रविवार का पहला मुकाबला दोपहर 12 बजे से चिली और चेक रिपब्लिक के बीच खेला गया। मुकाबले में चिली को शानदार जीत हासिल हुई है। चिली ने चेक रिपब्लिक को एकतरफा मुकाबले में 6-0 से करारी शिकस्त दी है। चिली की ओर से कप्तान मेनुएला सरोज ने 2 गोल दागे। साथ ही मारिया जो है माल्डोनाल्डो, एंटोनियो मोरल्स, केमिल और हेरम ने एक एक गोल किए।
रविवार के मैच में चिली की कप्तान मैनुएला सरोज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। FIH वुमेन्स ओलंपिक क्वालिफायर के पहले दिन जर्मनी और चिली का सामना हुआ था। इस मुकाबले में जर्मनी ने चिली को 3-0 से शिकस्त दी है। सीएम को मिले समन पर बोले मंत्री मिथिलेश ठाकुर, हमें इसकी आदत हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 8वां समन भेजा है और इसके माध्यम से सीएम को एक बार फिर से पूछताछ का समय बताने के लिए 2 दिनों की मोहलत दी है। अब की बार ईडी ने कहा है कि अगर सीएम पूछताछ के लिए नहीं आते हैं तो ईडी खुद मजबूर होकर आएगी। ऐसे में इसके बाद से एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस पर अब कांग्रेस कोटे से मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान सामने आया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पूरे मामले पर कहा है कि यहाँ सारा कुछ पूरे तरीके से अस्क्रिप्टेड होता है। पहले से पटकथा लिखी जा चुकी है कि कैसे कैसे सरकार को परेशान करना है, क्योंकि भाजपा विकास के मामले पर बात नहीं कर सकती। अब तक बीजेपी ने सिर्फ राज्य को पीछे धकेलने का काम किया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए 5 दिनों 16 से 20 जनवरी का समय दिया है। इन 5 दिनों में 2 दिन के अंदर उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए समय और जगह बताने को कहा गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह बयान दर्ज कराने नहीं आते हैं तो ईडी खुद उनके पास पहुंचेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र को समन समझने को कहा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कानून सबके लिए बराबर है, आप मुख्यमंत्री हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कानून से ऊपर हैं। ईडी द्वारा भेजा गया समन कानून सम्मत है, आपको इसका अनुपालन करते हुए अपना बयान दर्ज कराना ही होगा। मेरा पहला वोट नरेंद्र मोदी को, पहली बार वोट करने वाले वोटरों का होगा नारा, बोले बाबूलाल मरांडी। पहली बार वोट करने वाले सभी मतदाताओं का एक ही नारा होगा कि मेरा पहला वोट नरेंद्र मोदी को। ये बातें सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार की दोपहर साहिबगंज के परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। इस मौके पर टोल फ्री नंबर 7820078200 साहिबगंज से लॉन्च किया गया है। इस पर मिस कॉल कर नए मतदाता रजिस्ट्रेशन कराएं। उन्होंने कहा कि 2024 सबके लिए खुशहाल रहे, मकर संक्रांति की बधाई। 2024 चुनावी वर्ष है, लोकसभा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। 50 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। झारखंड में देश के विकास और सरकार बनाने के लिए नए मतदाता वोट करेंगे। पहली बार वोट डालने की खुशी हर एक लोगों में रहती है। 25 जनवरी को 5000 स्थानों पर 1 करोड़ से ज्यादा नए मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। झारखंड में सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से भाजयुमो के कार्यकर्ता नए मतदाताओं को एकत्रित कर कार्यक्रम करेंगे। हजारीबाग NH पर 3 दर्जन जंगली हाथियों का झुंड पहुंचने से लगा जाम, वन विभाग ने ऐसे किया काबू। हजारीबाग NH पर 3 दर्जन जंगली हाथियों का झुंड पहुंचने से लगभग 50 मिनट तक जाम की स्थिति बनी रही। दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों ने बताया है कि हाथियों का झुंड पूर्णा पानी जंगल को क्रॉस कर एक छोर से दूसरी छोर की ओर जा रहा था। इसी क्रम में झुंड रविवार सुबह लगभग 4 बजे हजारीबाग NH पर पहुंचा। 35 हाथियों के झुंड ने NH को पार करने में काफी समय लगा दिया। इससे 50 मिनट तक जाम की NH और इससे जुड़े सभी रास्तों पर बनी रही। बताया जाता है कि 35 हाथियों के झुंड में 4 बच्चे भी शामिल हैं। खबर है कि हाथियों का झुंड 13 जनवरी की रात को जिले की जो है चनारो पंचायत के डुमरबेड़ा पहुंचा। यहां हाथियों ने कई किसानों के खलिहान में जो है रखी और खेत में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग ने आदेश जारी कर रखा है कि हाथियों के झुंड को नहीं छेड़ा जाए, नहीं तो वे और नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, प्रभावित इलाकों में रात के समय आग जलाने की सलाह दी गई है, जिससे हाथी गाँव में प्रवेश न कर जंगल की ओर मुड़ जाएं। डुमरबेड़ा गाँव से निकलकर हाथियों का झुंड 14 जनवरी को सुबह सुबह हजारीबाग NH पर पहुंचा। जिले में हाथियों के आगमन की खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम इसकी निगरानी कर रही है। बराबरी पर छूटा जर्मनी और जापान का मुकाबला। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स के तहत रविवार को दूसरा मुकाबला जर्मनी और जापान के बीच खेला गया। जयपाल सिंह अष्टटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया मैच 1-1 की बराबरी पर छूटा। जर्मनी के लिए तीसरे क्वार्टर में पहला गोल लीजा नोल्टे ने किया, जबकि इसके बाद जापान के लिए म्यू हसेगावा ने 1 गोल दागकर मुकाबला 1-1 पर ला दिया। पूरे मैच में दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाते हुए एक दूसरे पर लगातार हमला बोला। ओलंपिक क्वालिफायर के लिए 13 जनवरी से अब तक खेले गए कुल 6 मुकाबले में यह पहला मैच भी रहा जो बराबरी पर छूटा। 13 जनवरी को खेले गए मुकाबले में जर्मनी ने चिली और जापान ने चेक गणराज्य को परास्त किया था। ऐसे में दोनों के बीच रोमांचक खेल की उम्मीद जताई जा रही थी। हथियार लेकर फ्लैट में घुसे अपराधी, लूटपाट का प्रयास, महिलाओं से की हाथापाई, 3 गिरफ्तार। आजाद नगर थाना अंतर्गत लक्ष्य अपार्टमेंट में मोहम्मद कपिल खान के फ्लैट में हथियारबंद 3 बदमाश घुस गए और लूटपाट का प्रयास किया।
इस दौरान बदमाशों ने घर की महिलाओं के साथ मारपीट की। इसके अलावा मोहम्मद कपिल खान पर हमला किया। इसी बीच महिला ने पिस्तौल हाथ में लिए युवक को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसके बाद तीनों बदमाश वहां से पैदल फरार हो गए। वारदात के बाद मोहम्मद कपिल खान समेत पूरा परिवार दहशत में आ गया। इसके बाद कॉलोनी वासी जुट गए। सूचना मिलने पर आजाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तीनों बदमाश का पीछा कर 4 घंटे के अंदर सरायकेला से गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान मानकू जो है गुलाब बाग निवासी, शहबाज शेख, मेराज अंसारी और अफसारुल हक के रूप में हुई है। अफसारुल हक रानी अम्मा लॉज में रह रहा था। झारखंड राजद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 20 जनवरी को रांची में, झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की राज्य कार्यकारिणी की बैठक 20 जनवरी को रांची के राजद कार्यालय में 11 बजे से होगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से झारखंड प्रभारी व केंद्रीय मंत्री जो है जयप्रकाश नारायण यादव एवं राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव उपस्थित रहेंगे। बैठक में मुख्य रूप से राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, संगठन को धारदार व मजबूत करने पर विचार विमर्श होगा। सरायकेला में वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, 1 घायल। आदित्यपुर कांडरा मुख्य मार्ग पर गम्हरिया थाना अंतर्गत छोटा गम्हरिया में शनिवार की देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 1 युवक घायल हो गया। मृतकों में बोलाईडी जगन्नाथपुर स्कूल के पास रहने वाला राहुल मुखी 19 वर्षीय व शीतला मंदिर पास रहने वाला सोना मुंडा 18 वर्षीय नामक युवक शामिल हैं। गणेश लोहरा नामक युवक घायल हो गया है, जिसका इलाज जो है TMH में चल रहा है। उर्दू शिक्षक पद को समाप्त करने के प्रस्ताव का विरोध। झारखंड प्रजातांत्रिक मंच ने उर्दू शिक्षकों के रिक्त 3712 पद को समाप्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। इमाम सफी ने बताया कि झारखंड सरकार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी प्रोन्नति नियमावली 2024 के प्रारूप 2.1 में उल्लेखित उर्दू शिक्षक के पद को खत्म कर दिया जाएगा। यह निंदनीय है, इस प्रस्ताव को सरकार वापस ले, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। वही मुख्तार अंसारी ने कहा है कि 2022 में भी 543 उर्दू स्कूलों का स्टेटस। बुजुर्ग पिता का भरण पोषण पुत्र का पवित्र कर्तव्य, झारखंड हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि बुजुर्ग पिता का भरण पोषण पुत्र का पवित्र कर्तव्य है, इससे वह इनकार नहीं कर सकता। इस अहम टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने कोडरमा जिला फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें बुजुर्ग के छोटे बेटे को कहा गया था कि वह पिता को गुजारा भत्ता के तौर पर प्रति माह 3,000 रुपए दे। फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ बुजुर्ग के पुत्र मनोज कुमार उर्फ मनोज साव ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन फाइल किया था। जस्टिस सुभाष चंद्र की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैमिली कोर्ट के आदेश को जायज ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में हिंदू धर्म की अवधारणाओं को उद्धृत करते हुए लिखा है, यदि आपके माता पिता अस्वस्थ हैं तो आप अस्वस्थ महसूस करते हैं, यदि वे दुखी हैं तो आप दुखी महसूस करेंगे। पिता तुम्हारा ईश्वर है और माँ तुम्हारा स्वरूप है, वे बीज हैं, आप पौधा हैं। आपको अपने माता पिता की अच्छाई और बुराई दोनों विरासत मिलती है। एक व्यक्ति पर जन्म लेने के कारण कुछ ऋण होते हैं, उसमें माता पिता का ऋण आध्यात्मिक भी शामिल होता है, जिसे हमें चुकाना होता है। आज सम्मेलन समारोह में युवाओं ने थामा पार्टी का दामन, डोमन सिंह मुंडा को मिली ये जिम्मेदारी। राजनीति में किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं बल्कि सामूहिकता के बोध के साथ अनेक विचारों को समाहित करना महत्वपूर्ण होता है। कल की चिंता से पहले हमें आज लिए जा रहे राजनीतिक फैसलों के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है। अगर हम आज गंभीर नहीं हुए तो आने वाले समय में हमें इसका नुकसान उठाना होगा। ये बातें आसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कही। इस दौरान मोहम्मद सरफराज आलम और मोहम्मद जो है सहनवाज आलम के नेतृत्व में काफी संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इधर आशु बुद्धिजीवी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष डोमन सिंह मुंडा को बनाया गया है। केंद्रीय महासचिव डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता को बनाया गया है। आसू पार्टी में शामिल हुए युवा साथियों का स्वागत करते हुए सुदेश महतो ने कहा है कि राजनीति किसी एक व्यक्ति के विचारों से नहीं बल्कि अनेक विचारों को एक जगह समाहित करने से चलती और सशक्त दिखती है। धनबाद के टासरा में हेवी ब्लास्टिंग से गाँव में गिरा पत्थर, ग्रामीणों ने बंद कराया माइनिंग कार्य। धनबाद की गौशाला ओपी अंतर्गत टासरा में सेल द्वारा संचालित जो है कल्याणेवारी टासरा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में हेवी ब्लास्टिंग से पास गांव में पत्थर गिर गया। इस घटना का विरोध करते हुए सैकड़ों की संख्या में गांव के आक्रोशित ग्रामीण सेल टासरा माइनिंग पहुंची और माइनिंग के कार्य को बंद करवा दिया। माइनिंग बंद होने की सूचना पाकर जो है कल्याणेवारी टासरा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी, गौशाला ओपी पुलिस और SSP
के भारी जवान के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीण लोगों को समझाने लगे, लेकिन ग्रामीण नहीं समझे और हेवी ब्लास्टिंग के खिलाफ हंगामा करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि पत्थर गिरने से गांव के कई लोग बाल बाल बचे। गांव के ग्रामीणों का यह आरोप है कि सेल द्वारा संचालित कल्याणेवारी टासारा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानहानि तरीके से हेवी ब्लास्टिंग करा रही है। मकर संक्रांति पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी व सोमवित मांझी ने जरूरतमंदों के बीच किया कंबल वितरण। रविवार को HB रोड स्थित लोहार कोचा नियर प्लाजा सिनेमा में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और सोमवित मांझी ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण, बच्चों के बीच पतंग और दही चूड़ा का वितरण किया। मौके पर विक्की लोहरा, अमित मांझी, रवि लोहरा, निक्की लोहरा, अशोक लोहरा, राजा लोहरा, जो है रणबीर लोहरा, शमशाद समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। गिरिडीह के बाड़ा चौक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हनुमान संघ विराजेंगे प्रभु श्रीराम। गिरिडीह के बाड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। रविवार को ही मंदिर समिति के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा जानकारी दिया। इस दौरान भाजपा नेता दिनेश यादव, मुकेश जालान, संतोष गुप्ता समेत कई सदस्यों ने बताया है कि 18 जनवरी से जो है बाड़ा चौक स्थित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू कर दिया जाएगा। पहले दिन ही शहर में भव्य कलश यात्रा निकाला जाएगा, जबकि 21 जनवरी को शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा, तो 22 जनवरी को जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद शाम को मंदिर में राम जानकी और हनुमान के जो है प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। सदस्यों ने इस दौरान शहर के भक्तों से अपील करते हुए कहा कि लोग पूरे उत्साह के साथ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। विधायक नीरा यादव ने मकर संक्रांति महोत्सव का किया आयोजन। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने रविवार को ध्वजाधारी धाम में दही चूड़ा, तिलकुट एवं संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं नव वर्ष का कैलेंडर का विमोचन कर सभी कार्यकर्ताओं को कैलेंडर दिया गया। झारखंड ओलंपियाड का परिणाम जारी। दूसरे चरण के लिए चयनित हुए 1489 छात्र इस तारीख को हो सकते हैं परीक्षा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT ने झारखंड राज्य ओलंपियाड 2023 के पहले चरण की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 1489 विद्यार्थी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। दूसरे चरण की परीक्षा 29 और 30 जनवरी को संभावित है। झारखंड ओलंपियाड की पहले चरण की परीक्षा 17 से 19 दिसंबर तक JCERT द्वारा निर्धारित केंद्रों पर हुई थी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 7, 8 एवं 9 के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा 5 विषयों अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा सामान्य अध्ययन की अलग अलग ली गई थी। विद्यार्थी एक या एक से अधिक विषयों की परीक्षा में भाग लिए थे। JCERT ने इस परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए विषयवार, कक्षावार तथा जिलावार प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले कुल 1489 विद्यार्थियों को दूसरे चरण की आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की। मैथिली भाषा का देश के विकास में भी अहम रोल, प्रोत्साहन के लिए स्वयं सेवक की तरह देंगे योगदान CP सिंह। बाबा जो है विद्यापति स्मारक समिति झारखंड की ओर से रविवार को मिथिला पंचांग सह कैलेंडर का विमोचन किया गया। RIT बिल्डिंग कचहरी चौक में आयोजित इस कार्यक्रम में रांची विधायक CP सिंह ने देश के विकास में भी जो है मैथिली भाषा के योगदान की चर्चा की। स्मारक समिति के द्वारा पंचांग की सराहना करते हुए कहा कि इसका इंतजार देश ही नहीं विदेशों में रहने वाले लोगों को भी रहता है। इसके जरिए पर्व त्यौहार और अन्य जो है मौक़ों की सूचना पाने में मदद मिलती है। मैथिली समाज के लिए वे सदा जो है स्वयं सेवक के तौर पर सेवा देने को तैयार हैं। इस दौरान रांची नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, पूर्व पार्षद जो है अरुण कुमार झा, मैथिली भाषा संघर्ष समिति के अमरनाथ झा, समिति के जो जयंत झा, मृत्युंजय झा ने भी विचार रखे।